तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज ट्यूसडे 6 अगस्त 2019, लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूँ और जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, वो 6 अगस्त तो है लेकिन 1945 आज का दिन था जब दुनिया में पहली बार एटम बॉम्ब क्या होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है, उसके बारे में लोगों ने जाना और सुना। 6 अगस्त के 3 दिन के बाद 9 अगस्त को दूसरी बार ऐसी एक न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब जिसको कहें वो फटा, तब दुनिया ने दूसरी बार जाना। लेकिन 1945 के बाद आज 55 उधर और 19 साल, लगभग 74 साल हो गए, 74 ईयर्स। शुक्र है कि उसके बाद कभी न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब दोबारा कभी इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई। तो आज की कहानी, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के दो शहर जिनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था अमेरिका ने। तो एक तो ये बॉम्ब फटा, ये हम सब जानते हैं, इसमें करीब दोनों शहर को मिला दें तो 2.5 से 2.5 लाख के करीब मारे गए उस वक्त। उसके बाद एक लंबा सिलसिला चला जिसके रेडिएशन और बाकी चीज़ों से, ख़ासतौर पर कैंसर की बीमारी से, किस्तों में लोग मरे। तो अगर उन सबको मिला लें तो करीब मौत का आंकड़ा 3-4 लाख से ऊपर जाता है। पर सवाल यह है कि अमेरिका ने गिराया क्यों था हिरोशिमा और नागासाकी पे, और जापान के इन्हीं दो शहरों को क्यों चुना था इस धमाके के लिए। तो ये पूरी जो कहानी उस वक्त एक्चुअली ये वर्ल्ड वॉर से शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एक तरफ अमेरिका, अमेरिका के साथ रूस, तब रूस से अमेरिका की दोस्ती थी, जो अभी रिश्ते ख़राब हैं वो पहले नहीं थी ऐसी, ब्रिटेन अमेरिका का अलायंस। दूसरी तरफ जापान एशिया में अपना वो दबदबा बढ़ा रहा था, जापान के साथ जर्मनी भी, जर्मनी के साथ इटली भी, तो दो अलग अलग मोर्चा बना हुआ था वर्ल्ड में, और सबके अपने अपने मकसद से, अपने अपने उनके जो इरादे थे। वर्ल्ड वॉर चलता रहा, इस बीच में जापान ने 7 दिसंबर, जापान और अमेरिका का वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान में कोई आपसी लड़ाई नहीं थी, आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। कहते हैं कि लड़ाई की शुरुआत हुई थी 7 दिसंबर 1941 को, जब जापान के एयरफोर्स ने ये पल हार्बर में यूएस नेवल बेस पे हमला कर दिया उनके जंगी जहाज़ों ने, जिसमें करीब यूएस के 6 जंगी जहाज़ तबाह हो गए, 2403 अमेरिकी सैनिक मारे गए, और इन सब को लेके अमेरिका भड़क गया, क्योंकि ये सीधे सीधी एक कार्रवाई थी अमेरिका के खिलाफ। तो कहते हैं कि बुनियाद यहाँ से पड़ी इस एटम बॉम्ब के गिराने की, लेकिन तब भी ज़रूरत नहीं थी। धीरे धीरे उसके बाद इस 41 के हमले के बाद जो जापान ने किया, अमेरिका ने भी बहुत सारे बॉम्ब गिराए। फिर बाद में धीरे धीरे अलग अलग मुल्कों की जो है वो अलग अलग हालत होती गई, कुछ मजबूत होकर जीतते गए, कुछ कमज़ोर पड़ते गए। इस बीच में कुछ जो विजेता थे एक तरह से, जो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत रहे थे, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रूस हो, तीन लोगों ने मिलकर, इनके साथ के जो कंट्री थे ये सब एलाइज कहलाते थे, और जो दूसरी तरफ थे वो एक्सिस कहलाते थे, जिसमें जापान, जर्मनी, इटली, बाकी के मुल्क थे। जर्मनी की वजह से बाकी जो उनके साथी मुल्क थे तब तक मजबूत थे, लेकिन हिटलर के सुसाइड के बाद इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इनके पार्टनर मुल्क थे वो कमज़ोर होने शुरू हो गए। जो जंग जीत रहे थे, फिर इनके बीच में एक मीटिंग हुई और उसके बाद जो मुल्क कमज़ोर पड़ते गए उन्हें कहा गया कि आप बिना शर्त सरेंडर करो। तो कहते हैं हिटलर को भी ये नौबत आई थी कि शायद आर्मी कमज़ोर हो गई है, सरेंडर करने की नौबत आए, और हिटलर ने ये लेटर में लिखा भी था कि वो सरेंडर करके और हारने से अच्छा है कि मौत को गले लगा ले। और अपनी खुदकुशी से कुछ देर पहले हिटलर ने शादी भी की थी और फिर इन दोनों की लाश मिली। तो हिटलर की मौत के बाद बाकी जो उसके साथी मुल्क थे उनके भी हौसले टूट गए। इधर जापान की भी अब हालत लगातार ख़राब हो रही थी। 45 आते आते जापान की आर्मी, जापान की जो सेना थी वो कमज़ोर होती जा रही थी। हालत ये थी कि जापान में अब माली हालत भी बड़ी कमज़ोर होती जा रही थी, और जो उस वक्त जापान में राजशाही थी, जापान के राजा थे, और हीरोहितो
जापान से भी कहा गया सरेंडर करने के लिए, जापान ने लेकिन ये माना नहीं, और जापान ने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिका के ऊपर ऑलरेडी उसके जंगी जहाज़ों पर हमला कर चुका था। तो जापान जब सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ तो फिर अमेरिका ने रूस और ब्रिटेन के साथ मिलकर जापान को सबक सिखाने का फैसला किया। लेकिन इसी बीच में अमेरिका के उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, उनको पता चला कि अमेरिका ने एक परमाणु बम का बहुत कामयाब परीक्षण किया, टेस्ट कर लिया, और वह इससे बड़े खुश थे। तो उन्होंने कहा कि इस बॉम्ब का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें, दुनिया के कई मुल्क ये मानते हैं कि अमेरिका बिना परमाणु बम गिराए जापान को सरेंडर करवा सकता था और जापान सरेंडर कर सकता था क्योंकि जापान की हालत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन ट्रूमैन जो प्रेसिडेंट थे वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे कि जो अपने बाकी साथी देश हैं उनके बजाय अकेले जापान को फतेह करें, जापान को जीते, और वो अड़ गए थे इस एटम बॉम्ब को यूज़ करने के लिए जापान पर। अब वो एटम बम यूज़ करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जापान की हालत ये है कि जापान में उस वक्त पेट्रोल की बड़ी ज़बरदस्त किल्लत हो गई। इवन जापान की जो एयरफोर्स के प्लेन थे उनको भी पेट्रोल की किल्लत की वजह से बड़े कम उड़ने को मिलते थे, और माली हालत लगातार इस पूरे जंग ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने जापान की बहुत खस्ता हाल कर दी था। देर सवेर जापान सरेंडर कर सकता था, लेकिन ट्रूमैन अपने हिसाब से जापान को जीतना चाहते थे, अपने हिसाब से जापान से सरेंडर कराना चाहते थे। और फिर इसी के लिए ट्रूमैन के कहने पर जापान के 4 शहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया जिस पे बॉम्ब गिराना था, एटम बॉम्ब, और उन 4 शहरों में से 2 पे बॉम्ब गिराना था। जो 4 शहर शुरू में सेलेक्ट किए गए उनमें एक हिरोशिमा था, दूसरा कोकुरा, तीसरा क्योतो, और चौथा जो था वो था नीगाता। इन 4 शहरों में कहीं भी नागासाकी का नाम नहीं है, नागासाकी लिस्ट में था ही नहीं अमेरिका की। नागासाकी असल में वो शहर है जहाँ से जापानी आर्मी को जो रसद है, सामान है, वो सप्लाई किया जाता है, लेकिन वहाँ पे जापानी आर्मी का कोई ऐसा कैंप, बेस, गोला बारूद की फैक्ट्री, ये चीज़ें नहीं थी। हिरोशिमा में थी, कोकुता में भी थी, क्योतो में भी थी, नीगाता में भी थी, लेकिन नागासाकी में नहीं थी। तो इन 4 शहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद 6 अगस्त 1945 सुबह 7 बजे 3 प्लेन उड़ान भरते हैं जापान के लिए। जो प्लेन जिसमें एटम बॉम्ब था, एनोलॉग गे, इस प्लेन में बॉम्ब रखा गया। सुबह 7 बजे जापानी रडार ने बाकायदा करीब अपने साउथ साइड में इस प्लेन को पकड़ा भी, देखा भी, और चेतावनी के सायरन भी बजे। लेकिन और चेतावनी के सायरन बजने के बाद रेडियो के, वहाँ जो जापानी रेडियो, तो सारे कार्यक्रम भी उसके बंद हो गए। प्लेन में जो सवार थे पायलट, इसके बाद इस प्लेन के साथ 2 और प्लेन उड़ रहा था जो एनोलॉग है, एक प्लेन उसकी सुरक्षा के लिए और तीसरा प्लेन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि जब वो बॉम्ब गिरे तो वो उसकी तस्वीर खींच सके। जापानी बॉर्डर में घुसने के बाद पायलट, फिर इस पहले मिशन में 12 लोग शामिल थे 3 प्लेन में सब, और इन सब को फिर कहा गया कि आप अपने अपने गॉगल्स पहन लीजिए क्योंकि जो बॉम्ब गिरना था उससे एक बहुत तेज़ रोशनी उठनी थी, अपने वीडियो में बाकी जगह देखा भी होगा, तो उससे बहुत मुश्किल होगी। सबने गॉगल्स पहना, और इसमें जो बॉम्ब था, इस बॉम्ब का नाम रखा था उस वक्त कोड में लिटिल बॉय, जो पहला बॉम्ब हिरोशिमा पे गिराया जाना था। करीब 4 टन वजनी था ये बॉम्ब, और इस बॉम्ब को जब गिराया गया तो इसको ज़मीन पे गिरने में हिरोशिमा के करीब 48 सेकंड लगे थे। 48 सेकंड में ये बॉम्ब ज़मीन के से थोड़ा ऊपर, 500 फीट ऊपर ही इसमें विस्फोट होता है। करीब 43 सेकंड लगे थे, 43 सेकंड। जो टारगेट था इस बॉम्ब को गिराने का, अमेरिकी एयर जो प्लेन में इसको ले जाया गया था,
वो टारगेट था इनके पास, वहाँ पे एक हिरोशिमा में एक जगह है आओई ब्रिज, तो आओई ब्रिज के पास इनको गिराना था। लेकिन जब बॉम्ब गिराया गया तो हवा की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा थी और इसीलिए ये अपने तय जगह से करीब 250 मीटर दूर निकल गया और वहाँ पे एक शीमा सर्जिकल क्लिनिक है जहाँ पे जाके ये बॉम्ब गिरा, फटा। ये जब फटा तो कहते हैं इसकी जो ताकत थी, जो शक्ति थी, वो करीब 12,500 TNT के बराबर थी। TNT इस वक्त सबसे खतरनाक विस्फोटक है, RDX वाडियक से भी बहुत ज़्यादा। और इसके फटते ही वहाँ उस ज़मीन पे गड्ढा हुआ, एक आग का गोला उठा, रोशनी इतनी तेज़ कि आंखें खोलने का सवाल नहीं, और 15 किलोमीटर दूरी तक जो घर की खिड़कियों के शीशे थे, दरवाज़ों के शीशे थे, वो सारे चकनाचूर हो गए। जिस जगह पे ये बॉम्ब गिरा उसके कई किलोमीटर के इलाके में 80% जो घर थी वो पूरी तरह से घर बर्बाद हो गए। कहते हैं कि मिनट के अंदर अंदर 1,00,000 लोग मारे गए थे, मिनट से भी कम वक्त के अंदर। इससे जो रेडिएशन निकला था और इससे जो मौत हुई थी उसकी दो चीजें थी। एक, जब ये बॉम्ब गिरा तो इससे जो तपिश पैदा हुई थी वो 10,00,000 सेल्सियस कुछ इसका एग्जैक्ट वो है, जो मतलब इतनी हीट थी कि सामने में देखते ही कोई भी चीज़ हो उसको वो गला दे। लोगों के हाथ पैर चेहरे से जो स्किन है, चमड़े हैं, वो अपने आप गिरने लगे। ज़्यादातर लोगों की मौत जलन से हुई और जलने से हुई। कुछ पहले समझ में नहीं आया लोगों को कि यह है क्या, और जब समझ में आया तब तक 80% शहर और शहर के लोग वो लगभग खत्म हो चुके थे। इस बॉम्ब के बारे में जो पहली बार खबर आई थी वो एक वहीं के जापान का एक लोकल जर्नलिस्ट था जिसका नाम था सातोशी नाकामुरा। सातोशी नाकामुरा का नसीब अच्छा था, ये हिरोशिमा में ही रुकना था किसी इसी वॉर और बाकी चीज़ों की रिपोर्टिंग के लिए था। लेकिन उससे एक रात पहले जब इसको हिरोशिमा में दाखिल होना था कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद, ये हिरोशिमा के बाहर ही रुक गया और उन्होंने कहा कि रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। और सुबह ये एटम बॉम्ब गिर गया और इसकी जान बच गई। उसके बाद जब ये सुबह पहुँचता है तो इसी सातोशी के ज़रिए दुनिया को पहली बार इस बॉम्ब के गिरने के बारे में जानकारी मिलती है। सातोशी जो जिस एजेंसी के लिए काम कर रहा था, वो डोमी समाचार एजेंसी थी, उसको वो वहाँ से जब जो हालात देखता है लाइव और बताता है और ये कहता है कि हिरोशिमा पूरा तबाह हो गया है, यहाँ पे एक बॉम्ब गिरा है और मेरी नज़र में करीब 1,70,000 लोग मारे गए। जब ये उन ब्यूरो चीफ को ये रिपोर्ट दे रहा था तो ब्यूरो चीफ पहले हंसता है, फिर कहता है कि मैंने आज तक कोई ऐसा बॉम्ब नहीं सुना कि सिर्फ एक बॉम्ब गिरे और 1,70,000 लोग मारे जाएं। यहाँ की आर्मी से हमने बात की है, कंफर्म कर रहे हैं, उन्होंने भी मना किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। और तब कहते हैं कि यहाँ से ये बाकायदा नाकामुरा जो जर्नलिस्ट था ये चिल्लाया था अपने ब्यूरो चीफ पे कि वहाँ आर्मी क्या कह रही, मुझे नहीं मालूम, एक बॉम्ब से नहीं मर सकता, नहीं मालूम, मेरे सामने शहर और शहर में लाशें हैं और जिन हालात में मैं लोगों को देख रहा हूँ, मैं आँखों देखी बता रहा हूँ। उसके बाद खैर फिर धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आती है। लेकिन ये पहला जर्नलिस्ट था जिसने इस बॉम्ब के गिरने की खबर बताई थी। हिरोशिमा में जितनी बिल्डिंग थी तबाह हो गई, जितने पेड़ थे उसमें कहते हैं कि एक भी पत्ते नहीं बचे थे, वो सब कुछ जलाकर खाक कर चुका था ये एटम बॉम्ब। लोगों की हालत ऐसी थी कि जो जिंदा थे वो उनकी ज़िंदगी मौत से बदतर थी। और पूरा का पूरा एक शहर, अगर कहें कि शमशान क्या होता है, ये दुनिया को पहली बार हिरोशिमा की शक्ल में देखने को मिला था। हिरोशिमा पे इस बम के बारे में अभी दुनिया में खबर थी, मातम था, लोग बातें कर रहे थे कि सिर्फ तीसरा दिन गुजरा था, 3 दिन का भी ये मातम ही था कि फिर 9 अगस्त 1945 की तारीख आ जाती है। अब अमेरिका दूसरा एटम बॉम्ब गिराने जा रहा था
जापान के शहर पे, और मैंने आपको बताया कि ऐसे चार शहर चुने गए थे, लेकिन उसमें नागासाकी नहीं था। दूसरा बम गिरना था क्योतो पे, लेकिन क्योतो को उस वक्त के जो वॉर सेक्रेटरी थे अमेरिका के, कई साल पहले वो हनीमून मनाने के लिए क्योतो गए थे जापान, और क्योतो उनको बड़ा खूबसूरत लगा, उनके हनीमून की बहुत सारी यादें थी। तो अचानक जब वो शहर की लिस्ट बन रही थी कि किस किस पे बॉम्ब गिराना है, तो वॉर सेक्रेटरी ने कहते हैं कि कहा कि नहीं, क्योतो को छोड़ दो, इसकी खूबसूरती को बर्बाद मत करो, ये अच्छा शहर है, इसे रहने दो। तो फिर युवा कि ठीक है, हिरोशिमा के बाद दूसरा जो बॉम्ब गिराया जाएगा वो गिराया जाएगा कोकुरा में, जिस जो लिस्ट में जिसकी बाकायदा नाम थी, कोकुरा में गिराना था। अब कोकुरा के लिए बॉम्ब लेकर सुबह प्लेन 9 अगस्त 1945 को उड़ान भरता है सुबह 9 बजे, और इसको कोकुरा में बम गिराना था। कोकुरा जापान की आर्मी का एक अच्छा बड़ा खासा बेस था, वहाँ पे मिलिट्री के उनके बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट थे, बहुत सारी चीज़ें थी, गोला बारूद फैक्ट्री थे, तो वहाँ पे बम गिराना था और उससे एक दूसरा मैसेज देना था। दूसरा बम जो पहले बम से भी ज़्यादा कहते हैं कि ख़तरनाक था, उस बॉम्ब को लेकर वो उड़े, कोकुरा में पहुंच भी गए टाइम पर, लेकिन जैसे ही बॉम्ब गिराना था, उस वक्त कोकुरा के ऊपर बादल बहुत घनघोर था, गहरा था, घना बादल, तो उन्हें बॉम्ब गिराने में दुश्वारी आ रही थी। प्लेन चक्कर काटता है, दोबारा फिर लौटता है दोबारा बॉम्ब गिराने के लिए, लेकिन फिर मौसम ख़राब, बादल घना, तो वो कोकुरा पर बॉम्ब नहीं गिरा पाते। इस दौरान में क्या होता है कि उनका फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है, अब वो क्या करें, बॉम्ब लेकर भी निकले हुए हैं। तो फिर उसी वक्त कमान आता है इनको पीछे से कि यहाँ पे मौसम है, घना बादल है, बॉम्ब गिरा नहीं सकते, तो और फ्यूल भी नहीं है, तो वापसी आ रहे हैं। तो अचानक फिर नागासाकी आ जाता है नाम, क्योंकि इनके उस रास्ते में नागासाकी पड़ रहा था। उसके बाद जो लिस्ट में जिस शहर का नाम नहीं था, उस शहर में ये बॉम्ब इसलिए गिराया जाता है क्योंकि जहाँ गिराना था वहाँ का मौसम ख़राब था, या कहें कि उस शहर के लोगों का नसीब अच्छा था कि उस वक्त बादल था, और इसलिए कोकुरा और उसके लोगों की जान बचा ली। और एक और भी चीज़ हुई कि अगर कोकुरा में गिरता तो शायद हिरोशिमा से ज़्यादा तबाही और ज़्यादा जान जाती, लेकिन नागासाकी में उसके बाद ये बॉम्ब गिराया गया दूसरा, और ये बॉम्ब नागासाकी में जहाँ गिराया गया वो बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए उसका जो दायरा था वो सिमट गया, और खुले में ज़्यादा ये तबाही फैला सकता था, लेकिन नागासाकी में हिल एरिया होने की वजह से तबाही कम हुई, जबकि बम शक्तिशाली था। यहाँ करीब 70,000 लोग फिर भी मारे जाते हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में जहाँ पे ये बम गिरा था, कहते हैं कि 90% मकान लगभग ख़त्म हो चुके थे, उड़ चुके थे, तबाह हो चुके थे। उस 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी शख्स आया, उनमें से एक भी नहीं बचा। 8 से 10 किलोमीटर दूर तक इस बमों की गूंज सुनाई दी, और उसके जो घरों के शीशे हैं और बाकी चीज़ें हैं वो टूट गई। और यहाँ पे भी लोग, ज़्यादातर लोगों के जलने से मौत हुई। सबसे मुश्किल ये आई इन दोनों जगहों पे, हिरोशिमा और नागासाकी में, कि जब बॉम्ब गिरा तो चूंकि एक शहर में गिरा, कहते हैं कि 70 से 80% डॉक्टर भी इस एटम बॉम्ब का शिकार हुए और उनकी जान चली गई। तो जो बाकी घायल थे, जब उनको अस्पताल ले जाने की बारी आई, अस्पताल ले जाया गया, तो जो इलाज करने वाले थे बेचारे, उनकी ही जान जा चुकी थी, तो इलाज कौन करे। तो कई घंटे सिर्फ इसलिए निकल गए क्योंकि इस हादसे में लगभग 70 से 80% डॉक्टर की ही जान जा चुकी थी, तो फिर देखे कौन। बाद में फिर दूसरे शहरों से डॉक्टरों को बुलाया गया, फिर उन्होंने देखना शुरू किया, फिर बाकी चीज़ें हुई। फिर ये भी तब तक पता नहीं था कि ये क्या है, कौन सा बम है, कैसा बम है, क्योंकि इस जापान के ज़्यादातर लोग और ख़ासतौर पर इन दोनों शहरों के लोगों को उस वक्त तक ये नहीं मालूम था कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भी होता है, कोई परमाणु बम भी होता है, कोई एटम बॉम्ब भी होता है। और बाकी इससे पहले हालांकि ट्रायल के तौर पर अमेरिका ने जापान में, कहते हैं कि 50 से ज़्यादा बॉम्ब गिराए थे, लेकिन वो आम बम थे जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे।
लेकिन दो न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ गिराए, और इन दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब में 140,000 हिरोशिमा में, 70,000 से 75,000 नागासाकी में मारे गए। ये उस वक्त की बात है। उसके बाद आने वाले दौर में उस बम के रेडिएशन और उससे होने वाले जो उसके असर थे, आज भी कहते हैं कि जापान उबर नहीं पाया, ख़ासतौर पर हिरोशिमा और नागासाकी के लोग, जो उनकी पुश्तें हैं वो उस बीमारियों को एक दूसरे को देते चले आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा कैंसर से लोगों की वहाँ मौत हुई। ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको भोपाल गैस की बात बताई थी कि तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई है और आज भी वहाँ के बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, कुछ आँखों से दिखता नहीं है, कुछ का कद नहीं बढ़ रहा है, कुछ का दिमाग काम नहीं कर रहा है। सेम हिरोशिमा और नागासाकी का है कि आज भी जो उस वक्त मरे वो मरे, उसके बाद लोग किस्तों में मरे वहाँ पर, और इन किस्तों में मरने के बाद अगर सबकी देखा जाए तो ये मौत का आंकड़ा करीब 3-4 लाख से ऊपर जाता है, बीमारों का तो कहना ही क्या। तो ये थी दुनिया की जो अब तक की न्यूक्लियर बम के दो ही ऐसे गिराए गए हैं, और ये दोनों बदकिस्मती से जापान। और इस बम के गिराने के बाद 6 और 9 कहते हैं कि अमेरिका ने एक तीसरा बम भी गिराने का प्लान कर रखा था, और वो बम गिराना था 19 अगस्त 1945 को, मतलब नागासाकी के ठीक 10 दिन के बाद। और ट्रूमैन इसके लिए जिद कर रहे थे उस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट। लेकिन उससे पहले जब नागासाकी में ये बॉम्ब गिरा, उसके ठीक 6 दिन बाद 15 अगस्त 1947 को, जो हमारे आज़ादी का भी दिन है, जापान के राजा हिरोहितो ने सरेंडर कर दिया बिना शर्त, और उस सरेंडर के बाद ये जंग ख़त्म होती है और वॉर वहीं पे रुकता है। और अमेरिका भी जो 19 अगस्त को तीसरा एटम बॉम्ब गिराने वाला था वो अपना इरादा टाल देता है। तो याद 6 अगस्त है, इसीलिए मैंने कहा कि आज हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी आपको सुनाऊं। ये थी पूरी कहानी। अब दीपक बैठा हुआ है, जो भी कुछ सवाल है फटाफट बताओ दीपक। सिल्वर मुकरी जी, सवाल है सर, क्या बॉम्ब वाले प्लेन डायरेक्ट अमेरिका से उड़ान भरा था या कहीं उसने किसी और एयरबेस से रुक के उड़ान? ये जो वहाँ के अलग अलग अमेरिका के बेस थे एयरफोर्स के, तो उन्हीं जगहों से उन्होंने उड़ा था, अमेरिका से इसके लिए उड़ान नहीं भरा था। बल्कि ख़ास जगह थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, और जिस जगह पर यह बॉम्ब बनाया गया था उसका भी एक ख़ास उस जगह का एक नाम था, मुझे याद आएगा तो अभी बीच में बताऊँगा। कई लोग जानना चाहते हैं इस बम का नाम फैट बॉय क्यों पड़ा? अलग अलग थे, एक कहते हैं कि जो अमेरिका के ट्रूमैन थे उनके ऊपर लिटिल बॉय, और एक फैट बॉय शायद उस वक्त ब्रिटेन के जो विंस्टन चर्चिल थे प्राइम मिनिस्टर, उनके नाम के ऊपर कोड नेम रखा गया था। सर दिलवर जी फिर से एक सवाल पूछें, हिरोशिमा पर बम गिराने के बाद क्या जापान ने कोई एक्शन नहीं लिया तुरंत? जब दिलबर साहब हिरोशिमा पे बम गिराया था, ये पहले भी मैंने शुरू में अपनी कहानी में कहा था कि ऑलरेडी जापान की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो आज न कल सरेंडर करने जा रहा था। जापान की ऐसी हालत नहीं थी कि अब वॉर मुकाबला कर सकता या लड़ सकता था, जंग में मैदान में रह सकता था। लेकिन जब ये बॉम्ब गिरा, इससे पहले कि वो कुछ रिएक्शन करता, कुछ आगे करता, 9 अगस्त को फिर दूसरा हादसा हो गया। सर कई लोग जानना चाह रहे हैं कि जापान की ADC क्या अमेरिका की टीम को डिटेक्ट नहीं कर पाई थी अपने रडार पर? उस वक्त मैंने आपको शुरू में बताया कि जापान की रडार ने ये पता कर लिया था, सायरन भी बजा था, लेकिन अगर उसको रोकने और बाकी चीज़ें थी वो ऐसा हुआ नहीं, तब तक वो बॉम्ब गिर चुका था। जो मैंने अभी शुरू में बताया था आपको, ये जो पहला बॉम्ब गिराया था ये एक्चुअली न्यू मैक्सिको की लेबोरेटरी में इस बॉम्ब को बनाया गया था, और कहते हैं कि इस बॉम्ब को बनाने में इतनी सीक्रेसी रखी गई थी, जो पहला एटम बॉम्ब जो बन रहा था और टेस्ट किया जा रहा था, कि जब तक ट्रूमैन प्रेसिडेंट नहीं बने थे, और उससे पहले रूजवेल्ट थे प्रेसिडेंट, रूजवेल्ट की मौत के बाद जब ट्रूमैन बने, तो और ये वाइस प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, हैरी ट्रूमैन, उनको भी नहीं मालूम था कि ऐसा ऐसा कुछ एक टेस्ट चल रहा है जो मैक्सिको के पास न्यू मैक्सिको के पास। जब वो प्रेसिडेंट बने तब उनको बताया गया, इतनी गोपनीयता रखी गई थी। सर राहुल जोशी जी का सवाल है, सर ये क्या ये सच है कि पायलट ने कहा कि ये मैंने क्या कर दिया जब बम का ब्लास्ट हुआ उसे देखकर? दो चीज़ें थी, एक जब बॉम्ब गिराया तो उस पायलट ने का जो उसने बाद में अपना लिखा है, उसने कहा कि मेरे दांत में कुछ अजीब सा होने लगा था, और उस रोशनी को देखा नहीं गया जबकि ऊपर से था। जो तीसरे प्लेन में जिसका काम सिर्फ ये दिया गया था कि आप चूँकि पहली बार एक न्यूक्लियर एटम बॉम्ब गिराया जा रहा था, तो गिरने के बाद का दृश्य, गिरने के बाद का सीन कैसा होता है, वो बॉम्ब कैसे रिएक्ट करता है, कैसे फटता है, क्या होता है, आप उसकी सारी तस्वीरें लेंगे, तो वो ऊपर से तस्वीर ले रहा था। जिस शख्स ने तस्वीर ली उसका भी कहना था कि
वो रोशनी उसकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। और इन लोगों को बाद में ये लगा था कि बम बनाया, एटम बम, बाकी जाहिर सी बात है साइंटिस्ट और जो वो थे जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट, उन्होंने बनाया, इनका काम गिराना था। लेकिन जब बॉम्ब की इन्होंने वो गिरने के बाद की जो हालत देखी, तो खुद जो लोग बॉम्ब गिरा रहे थे वो सकते में थे और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर ऐसी तबाही होगी और एक बम मिनट के अंदर लाख से ज़्यादा लोगों को मार देगा, ये उनके भी सपने में भी नहीं था। और इसलिए कहते हैं कि उन लोगों को बाद में इस चीज़ों का एहसास था। एक और भी इसमें कहानी ये भी कि जो ऐसे 12 लोग थे जिनको इस मिशन में लगाया था बॉम्ब गिराने के, उन सबको एक एक साइनाइड भी दिया गया था और कहा गया था कि अगर ये मिशन नाकाम होता है या कुछ और होता है तो आप सब सुसाइड कर लोगे। एक ये भी इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है। सर, कई लोगों को पूछना है कि क्या अमेरिका के खिलाफ किसी और देश ने कुछ कार्रवाई नहीं की? इसको लेकर फिर एक चीज़ तो हुई, कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर होड़ शुरू हो गई। शुरू में अमेरिका और रूस सेकंड वर्ल्ड वॉर में कुछ दिन तक साथ थे। जब अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक किया तो उस वक्त तक रूस ने फिर अपने जो न्यूक्लियर बहुत सारे प्रोग्राम बंद कर रखे थे, उसने अपनी सीक्रेट सर्विसेज और उनसे कहा और अपने बाकी साइंटिस्ट से कि फ़ौरन इसको शुरू करो, और फिर एक होड़ सी शुरू हो गई इस दो एटम बॉम्ब के गिरने के बाद। उसके बाद रशिया ने भी फिर इसमें आगे बढ़ना शुरू किया, फिर एक एक करके धीरे धीरे बाकी मुल्क, और एक तरह से फिर न्यूक्लियर की एक होड़ ही शुरू हो गई। सर, किसी देश ने हेल्प नहीं की खुद सामने से आगे आके जापान की? उसके बाद पूरी दुनिया में जब जापान की तबाही और बर्बादी की चीज़ें सामने आई, एक एक करके कहानियां सामने आनी शुरू हुई कि इन दो बॉम्ब का क्या असर हुआ, तो फिर दुनिया की हमदर्दी भी जापान के साथ थी। जापान सरेंडर भी कर चुका था, लेकिन चूंकि उस वक्त एक युद्ध का माहौल था तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज आम हालात में अगर आप किसी के ऊपर हमला करते हैं, केमिकल वेपन छोड़ते हैं या न्यूक्लियर वेपन छोड़ते हैं या कुछ और बम मारते हैं तो एक साथ कई आवाज़ उठती है। उस वक्त चूँकि दुनिया खुद बटी हुई थी कई हिस्सों में वर्ल्ड वार के चक्कर में, तो उस तरह की चीज़ें, उस तरह की हमदर्दी जापान के लिए नहीं आई थी। हालाँकि धीरे धीरे बाद में जब सारी कहानियाँ सामने आने लगी तो इसको लेके अमेरिका को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया कि उसने जिस तरीके के ऐसे बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, और जापान आराम से वो सरेंडर कर सकता था, सरेंडर करने जा रहा था, लेकिन ये अमेरिका और ख़ासतौर पर उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जल्दबाजी की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। रितेश, थैंक यू वेरी मच, कैसे हैं आप रितेश? दूसरी एक इसमें और भी चीज़ है कि इस 72 साल के करीब हो गए होंगे, लेकिन आज तक अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट ने, चाहे हिरोशिमा हो या नागासाकी हो, एटम बॉम्ब गिराने के लिए कभी भी जापान से माफ़ी नहीं मांगी है। हालांकि जो लास्ट प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, वो हिरोशिमा गए थे और उस जगह पे भी गए जहां पे वो सब कुछ बना हुआ है, लेकिन बराक ओबामा ने भी शायद माफ़ी नहीं मांगी। सर, शिवाजी का सवाल है कि हिरोशिमा में अब के हालात कैसे हैं? हिरोशिमा और नागासाकी दोनों बहुत ही, जो भी कहते हैं बता के, वापस एक तरह से जापान ने उनको खड़ा किया, उसको बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन उस चीज़ों का असर, उस रेडिएशन का असर कहते हैं कि आज भी कई लोगों को है जिनको वो बीमार बना रखा है। सर, जापान ने इतनी जल्दी अपने आप को डेवलप कैसे बना लिया हिरोशिमा अटैक? इसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है कि जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान को शर्मिंदा होना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे जख्म मिले, इतना बड़ा जख्म मिलने के बाद कोई इतनी जल्दी खड़ा संभलता नहीं है, लेकिन फिर जापान ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें फोकस किया और अपने आप को पैरों पर खड़ा किया, आज जापान दुनिया की एक मजबूत इकोनॉमिक कंट्री है और टेक्नोलॉजी के मामले में हम सब जानते हैं क्या है, तो ये उनका विल पावर था, उनकी पॉलिटिकल शक्ति थी, वहाँ के लोग थे, वहाँ की जो भी आपके हैं पॉलिटिक्स या फिर राजशाही, इन सब की अपनी अपनी एक ताकत थी जिसने वापस जापान को एक मजबूत मुल्क बनाया और वापस लाकर खड़ा किया। सर, कई लोग कह रहे हैं कि आपको क्या नहीं लगता कि अमेरिका की मोनोपोली रही है शुरू से लेकर अब तक हर देश में दादा बनने? देखिए, जब भी कोई सुपर पावर होता है या अपने आप को सबसे बड़ा मानता है तो उसकी शुरू से ये रहती है कि हर दूसरे चीज़ में टांग अड़ाना और अपने आप को हर बार ये बताना कि मैं तो सुपर पावर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो इस वर्ल्ड वॉर में भी कहते हैं कि तब तक अमेरिका, ब्रिटेन और रूस सब साथ थे, लेकिन जब बॉम्ब गिराने की बारी आई तो अमेरिका को लगा कि एक एटम बॉम्ब दो गिराएंगे तो जापान की तो वैसे ही हालत ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए अब उसे रूस की भी ज़रूरत नहीं, ब्रिटेन की भी ज़रूरत नहीं। हालांकि ब्रिटेन को आखिर तक साथ रखा, लेकिन रूस से फिर किनारा कर लिया था जापान। सर, योगेश जी कह रहे हैं, सर जी मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आपको इतने टाइम से मैंने मैसेज किया, लाइव स्ट्रीम में सवाल पूछे लेकिन आप जवाब नहीं देते, कल मेरा बर्थडे था, आपने मेरे मैसेज। अरे योगेश जी, हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, कल आपका बर्थडे था कल, लेकिन क्या बताऊँ, वो 370 में हम सब उलझे हुए थे, लेकिन आपको जन्मदिन की बधाई, बहुत बहुत खुश रहें। कई बार कई लोगों का नाम मिस हो जाता है, जानबूझ के नहीं होता, ये कई बार दीपक और आसिम की भी गलती होती है।
आपको क्या लगता है इंडिया कब तक सुपर पावर बन जाएगा? मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं आगे, हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए सुपर पावर बनने में। कई बार क्या होता है कि मतलब बड़ी बड़ी बातें और ज्ञान की बातें साइड करके छोटी छोटी बातें करते हैं, उसी से चीज़ें बनती हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम सबसे जो बड़ा इशू है ना, वो पॉपुलेशन है, आबादी। हम हमेशा कंपेयर करते हैं जापान से, बाकी मुल्कों से, लेकिन एक चीन है या एक हम हैं जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है। लेकिन चीन में बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिसिप्लिन के साथ हैं। हमारी जो आबादी है वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन नाम की हम लोगों के अंदर बहुत कमी है। और चलिए कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़े शहरों को आप कर लें, लेकिन सिर्फ चार पांच शहर ही हिंदुस्तान नहीं है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, यही हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है। तो जब तक हर एक को शुरू से डिसिप्लिन और बाकी चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक हमें थोड़ा सा जिस रफ्तार से आगे बढ़ना है उसमें रुकावट आती है। सर, विनय तिवारी जी का सवाल है, किसी भी देश में पर एटम हमला करने के लिए क्या किसी से परमिशन लेनी पड़ती है? विनय तिवारी साहब, अमेरिका ने तो कोई परमिशन नहीं ली थी एटम बॉम्ब गिराने से। आज के माहौल में भी अगर ये, कई बार आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया धमकी देता है, कभी अमेरिका ने धमकी दिया, पाकिस्तान भी कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास भी है। लेकिन जब वो बॉम्ब जिस तरीके के दो गिरे थे, वैसे दो बॉम्ब ने 2-3 लाख तबाही फैलाई। आज दुनिया में वैसे करीब 25,000 से ज़्यादा एटम बॉम्ब है और उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो सोचिए कि अगर उन सब का इस्तेमाल हो गया तो इस दुनिया में शायद ही कोई चीज़ बचे, मतलब दुनिया का निशान बचेगा कि नहीं बचेगा, ऊपर वाला जाने। तो बस दुआ यही है कि ये कभी होना नहीं चाहिए और न कभी शुरुआत हो। लेकिन जब दो मुल्क या कोई न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए, एक तो आप किसी की परमिशन इसलिए नहीं मांगते कि आपको वो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट संधि भी है, जो जो न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, तो इजाज़त मांगने का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं आता, क्योंकि इसमें तो सिंपल ये है कि आप इसका यूज़ ही नहीं कर सकते। क्योंकि ये यूज़ करने का मतलब है कि आप एक पहल करेगा, दूसरा भी करेगा, फिर अगर वर्ल्ड 2-3 हिस्सों में बढ़ जाएगा तो हर एक के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो अगर सबने एक दूसरे पर छोड़ना शुरू किया तो तबाह कौन होगा? वो भी होगा, हम भी होंगे, वो भी होगा, सब होंगे, तो फिर दुनिया कहाँ रहेगी? सर, जीएस नाम से एक आईडी है, सर वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि आज भी जापान ने कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाया, बिकॉज दे लव ह्यूमैनिटी। सर, उनका एक और सवाल है कि सर, क्या एटम बम का रेडिएशन वर्तमान में कम हुआ है या नहीं? जी एस है इनका सवाल है कि जापान ने आज तक नहीं बनाया है एटम बम की, वो होड़ कम हुई है कि नहीं? बिल्कुल कम नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा है। अलग अलग लोग न्यूक्लियर अपना टेस्ट करते हैं, अलग अलग लोग बना रहे हैं, जैसे पहले था, धीरे धीरे इवन अमेरिका, रूस सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास हैं। और हर एक के पास जो इस तरह के वेपन हैं, न्यूक्लियर वेपन, ये किसी भी कंट्री को कहाँ पर निशाना बनाना, वहाँ तक ये मार कर सकते हैं। तो वो होड़ तो कम नहीं हुई है। लेकिन जापान की आपने बात की, जापान की एक अच्छी चीज़ ये कि मैंने भी बताया था कि बराक ओबामा वहाँ हिरोशिमा पे जब गए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ US, तो उस जगह पे जहाँ पे एक लोगों की याद में हिरोशिमा में एक स्मारक टाइप का बनाया गया है, और वहाँ पे एक लौ जलती है, एक चराग जल रही है, और उसको इस नियत से जलाई गई है कि ये तब तक जलती रहेगी जब तक कि इस दुनिया से सारे न्यूक्लियर बॉम्ब ख़त्म ना कर दिया जाए, उन्हें तबाह ना कर दिया जाए, उन्हें बर्बाद ना कर दिया जाए। तो न्यूक्लियर बॉम्ब इस दुनिया से जिस दिन ख़त्म होगा, उस दिन वो दीपक, उस दिन वो लौ बुझा दी जाएगी। हिरोशिमा में वो आज भी जल रही है, पर मुझे नहीं मालूम कि इसके लिए कितने साल इंतजार करना पड़ेंगे और कभी वो दिन आएगा भी कि नहीं। सर, कई लोग जानना चाहते हैं कि इंडिया का फिलहाल कितने बम है, क्या इंडिया उनके टक्कर का है? मुझे लगता है कि हमारे पास इस वक्त करीब 30 के आसपास हैं, जो 120 से 130 के पास हमारे पास न्यूक्लियर हैं। लेकिन अमेरिका और रशिया के पास बहुत ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के पास है। सर, एक अमित दीक्षित 11 साल के हैं और 6 साल से चित्रान से देख रहे हैं, उनको आपकी स्टोरी बहुत पसंद है और आपको थैंक यू वेरी मच कह रहे हैं। अमित नाम लेने की, अमित साहब थैंक यू वेरी मच, बस इसी तरह आप कहानी देखते रहें, थैंक यू वेरी मच। चलो लास्ट सर, एक सवाल है कि सर, कई लोग मुजफ्फरपुर अच्छा बालिका गृह कांड की पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अपडेट के साथ, ये सवाल है सर। चलिए मैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह के बारे में अपडेट लेके आपको सुनाऊंगा, और बस अब चलते चलते एक जानकारी और दे दूं। उन्नाव गांव की जो रेप विक्टिम लड़की थी, जिसका लखनऊ के किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, कल शाम को उसको दिल्ली लाया गया, दिल्ली के एम्स में भर्ती है। अच्छी चीज़ ये हुई कि जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लाई गई
उसके बाद पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया उसके लिए, मतलब एयरपोर्ट से लेके एम्स तक एक लेन पूरा ट्रैफिक का खाली किया गया ताकि उसको वक्त पे वहाँ पे पहुँचाया जा सके ऑलरेडी वेंटिलेटर पे। और एयरपोर्ट से लेके एम्स बहुत कम वक्त में, कुछ मिनट में ही, इस खाली एक लेन की वजह से जिसमें ट्रैफिक को रोका गया था एम्स पहुँची। हालांकि उसकी हालत अभी भी क्रिटिकल है, जो वकील महेंद्र सिंह है उनकी भी हालत क्रिटिकल है, दोनों को एम्स लाया गया, दोनों का इलाज चल रहा है। और जो MLA हैं उन MLA साहब को यहाँ भेज दिया गया है, अब तिहाड़ जेल में उनकी खातिरदारी हो रही है और यहीं पे मुकदमा जो है अब चलेगा और यहीं पे फैसला आएगा 45 दिन के अंदर, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसका भी अपडेट आपको देते रहेंगे। अब कल मुलाकात होगी आपकी, रात हमारी और आपकी, रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।